नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पर स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूं उस प्रकार आप लोग की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जो भी इस वीडियोज को देखें वह लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे और भी आपके लिए काम करने में जो है मोटिवेशन मिल सके। चलिए, तो यह तो मेरा एक रिक्वेस्ट था जो शायद आप लोग जरूर उसको तवज्जो देंगे। और जैसा कि कल से मैंने जो वीडियो शुरू किया हूं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पे बनाने का अपने नोट्स के माध्यम से, आज उसी क्रम में दूसरा वीडियो अपलोड करने की तैयारी हो रही है, वह पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित है। और अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पॉलिटिकल कल्चर से जो है अब क्या समझ में बात आती है, यह मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। यह देखिए, यह पॉलिटिकल कल्चर जो है अनुभव के बेस्ड पर जो है वह निर्भर करता है। और यहाँ देखिए यह सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से आया है यह चीज। यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आया है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से आया है। उसके बाद देखिए आप पॉलिटिकल कल्चर से जो जुड़े हुए लोग हैं वह ग्रेबियल आमंड एवं सिडनी बर्मा, साथ साथ सैमुअल एच बियर भी जो है इससे संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत जो होती है वह वेस्टर्न डेमोक्रेसी से होती है, बट यह सभी जगह जो है फैलता है, ठीक है। और बट सभी जगह फैला, एथनोसेंट्रिक यह जो है नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट जो है इसकी शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से होती है, बट यह सभी जगह जो है फैल जाता है। इस प्रकार कल हम लोग पढ़े थे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो था वह एथनोसेंट्रिक था, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर जो है वह क्या है, वह यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल कल्चर जो है वह एथनोसेंट्रिक नहीं है। अब देखिए अध्ययन जो हुआ इसमें लीगल इंस्टीट्यूशनलिज्म का हुआ और फैमिली रिलेशंस का हुआ, मास बिहेवियर का हुआ और इलेक्टोरल सिस्टम का हुआ, पावर का हुआ, इन्फ्लुएंस आदि ये सारी चीजों का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन हुआ था। कल जो हमने बात की थी वह केवल इंस्टीट्यूशंस के अध्ययन की बात की गई थी उस अप्रोच के माध्यम से। अच्छा, इसके अंतर्गत जो है आप देख पा रहे होंगे कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति के प्रोसेस की जांच जो है वह पॉलिटिकल कल्चर के माध्यम से किया जाता है। अब कल्चर क्या होता है, कल्चर द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल जो है वह कल्चर कहलाता है। अच्छा, इसके जो अध्ययन हुई वह अध्ययन जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह अध्ययन कहाँ किया गया, तो यह अध्ययन यूके में किया गया, यूएसए में किया गया, वेस्ट जर्मनी में किया गया, मैक्सिको और इटली में। और यह कौन किए थे, ये आमंड के द्वारा किया गया था। और यह PYQ है, इस पांचों देशों को जो है चुनने के लिए जो है बोला गया था कि यह कौन कौन से देश थे जहां यह पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन किया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पर, तब आएंगे फिर फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कौन कौन होते हैं, तो वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपेंट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा पैरोकियल। तीन प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर जो है बात की गई है। अच्छा देखिए, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो होता है उसमें 100% जो है भागीदारी होती है लोगों की, और सब्जेक्ट के अंतर्गत जो होती है वह 50% जो है भागीदारी होती है, आधी की भागीदारी होगी और आधी की भागीदारी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह जो क्रशर है वह आज भी उसी से काम मैं चला रहा हूँ, पॉइंटर में कुछ एक ही व्यस्तता हो जाती है दिन में कि जो है समय नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर 50% जो है वह भागीदारी होती है, ठीक है। और पैरोकियल के अंतर्गत जो है वह भागीदारी शून्य हो जाती है। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और पैरोकियल।
100%, 50% और 0%। इस प्रकार अगर इसके देशों के उदाहरण के नाम अगर आप याद करना चाहें पार्टिसिपेंट में, तो आप यूके, यूएसए, इंडिया, फ्रांस को रख सकते हैं। सब्जेक्ट में चीन और पाकिस्तान को रख सकते हैं। उसी प्रकार पैरोकियल में जो है उत्तरी कोरिया, अफगानिस्तान, सीरिया आदि इन देशों को रख सकते हैं, जहां पर लोगों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार सिविक कल्चर जो है, अब सिविक कल्चर यहां देखिए पॉलिटिकल कल्चर है, यहां सिविक कल्चर है। सिविक कल्चर की बात जो है आमंड एवं बरवा करते हैं और यह पार्टिसिपेंट को जो है ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यह जो है सब्जेक्ट इसमें भी होता है, सब्जेक्ट को इसमें ऐड करके इसका महत्व बढ़ाया जाता है। पैरोकियल में क्या होता है कि जो है वह कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो सिविक कल्चर पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट के महत्व को बढ़ा कर करके सिविक कल्चर बनता है। ठीक है, और पैरोकियल जो होता है उसमें कोई इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे स्लाइड को इस भाग को पढ़ लिए है, अब पहली स्लाइड पे फिर से चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए एस प्लस पी लिखा हुआ है, अर्थात सब्जेक्टिव प्लस पार्टिसिपेंट जो है वह सिविक बन जाता है जब उसमें सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट और पैरोकियल तीनों मिलता है, तो वह सिविक ऑल ऑप्शन जब तीनों मिल के बनेंगे तब वह बेस्ट पॉलिटिकल कल्चर जो है वह बनता है। यहाँ पर सिविक हो गया और यह भी सिविक हुआ, ऑल ऑप्शन मिल गया। जब यहाँ सिडनी वर्मा के अनुसार ऐसा होता है, और यह जब तीनों मिलता है तब उसको बोलते हैं बेस्ट पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, अब थ्री ओरिएंटेशन की बात करते हैं जो वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। वाजपेयी बोलते हैं कि तीन प्रकार का ओरिएंटेशन होता है। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा इवेल्युएटिव। ठीक है, अब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इवेल्युएटिव। अब कॉग्निटिव को माइंड से याद रखेंगे, अफेक्टिव को हार्ट से याद रखेंगे और इवेल्युएटिव को माइंड प्लस हार्ट दोनों से याद रखेंगे, जिसको हम लोग रेशनलिटी के रूप में याद कर सकते हैं। और इसको अगर आप शॉर्टकट याद करना चाहेंगे तो यह आपको कभी कभी आपको क्रम में भी करने के लिए आ सकता है कि किस प्रकार इसका क्रम है, तो इसको क्रम इसी प्रकार याद रखेंगे, सी ए ई कर करके जो है इसको आप याद रख सकते हैं। वह होगा कॉग्निटिव, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव और ई फॉर इवेल्युएटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रेवियल आमंड की बात करते हैं। ग्रेवियल आमंड जो है वह कहते हैं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था जो है राजनीतिक कार्यों के विशिष्ट ढांचों से बंधी है। ठीक है, वह इस तरह की बात बोलते हैं। उनकी कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर, वह थोड़ा सा आप देख लें। पहली पुस्तक है पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरिया, 1960 में यह लिखते हैं। दूसरी पुस्तक है उनकी द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशन, 1963 में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो बुक भी लिखा हुआ है वह आपको क्रोनिकोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, जहां तक प्रयास किया गया था, लेकिन अगर आगे पीछे होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर फिर 1966 में जो लिखे हैं उनकी पुस्तक ग्रेवियल आमंड के द्वारा, वह कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, ये डेवलपमेंटल अप्रोच कर करके उनकी पुस्तक आती है 1966 में। फिर 1956 में यहाँ देखिए 1956 में कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम जो है वह लिखते हैं, पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लुशियन पाई जो है वह भी इससे संबंधित है और उनकी जो पुस्तक इसके पर आती है वह पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करके 1965 में आती है। और यह कहते हैं कि प्रत्येक विशिष्ट समूह जो होता है एक सीमित प्लस राजनीतिक संस्कृति के बराबर होता है, उसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, दोनों शामिल होता है। ठीक है, अब सिडनी वर्मा जो है उनकी पुस्तक है स्मॉल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ लीडरशिप, 1961। ठीक है, अब आगे इनकी दूसरी पुस्तक जो है इलीट्स एंड द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, ए कंपैरिजन ऑफ जापान, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, 1987 में ये पुस्तक लिखते हैं। ठीक है,
अब आमंड की बात करते हैं। आमंड जो है आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच से जो है वह जुड़े हुए हैं और उनकी जो है और जो चीजें हैं उनसे वह होमोजेनस कल्चर की बात करते हैं, जो वो यूके को उस प्रकार में शामिल करते हैं। और इलिट मास कल्चर जो है वह इंडिया को वह संबोधित करते हैं। और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जो है वह चाइना को कहते हैं। और पेरिकुलर कल्चर किसको बोलते हैं, तो युगांडा से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल कल्चर के समर्थक कौन कौन है, सो यहाँ पर आप देख लीजिए सारा जो है आपको एक जगह कर करके यहाँ पर दिखाया गया है। पॉलिटिकल कल्चर के समर्थक की बात करें तो आमंड है, पाई है, अब उसके बाद सिडनी बर्मा है, यहाँ पर शॉर्ट में ही नाम लिखा हुआ है देखिए समझने के लिए, बियर है, एलाजॉर है, कोलमैन है, माइनर वीनर है, डगलस है, फाइनर है, रॉबर्ट है, पटनम है, सॉरी रॉबर्ट पटनम एक ही नाम है, और डेविस कवानाग है, एलन वेल है और टॉलकल पार्सन्स है। यहाँ पर ये सारे जो है ये लोग जो है वह किसके समर्थक हैं, पॉलिटिकल कल्चर के समर्थक हैं। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ बुक्स जो हैं उससे संबंधित वो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इस पर जो है पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित कौन कौन से बुक है उस पर आप देख लीजिए। कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो है 1956 में आमंड लिखते हैं और यह एक लेख है। ठीक है, यह बुक नहीं है, क्या है, लेख है। और उसके बाद द सिविक कल्चर आता है 1967 में, आमंड एवं बर्वा दोनों साथ मिलकर के लिखते हैं। उसके बाद द सिविक कल्चर रिविजिटेड 1980 में आती है, यह भी दोनों मिलकर के लिखते हैं। और उसके बाद फिर आती है पॉलिटिकल कल्चर 1965 में, बर्वा एवं पाई की यह पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद जो है कल्चरल शिफ्ट इन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1990 में आती है और यह रोनाल्ड ईगल टाट की पुस्तक है। ठीक है, उसी प्रकार मेकिंग डेमोक्रेसी 1993 जो है वह रॉबर्ट पटनम की पुस्तक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स लिस्ट है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बार आप लोग सुनेंगे तो यह जो है आपकी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यह लेख जो था 1988 में आता है, हैरी एक्सटीन इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जो है द ग्रेट डिस्पर्शन 2002 में आता है, क्लार्क हॉफमैन इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद द सिविक कल्चर डेमोक्रेसी जो है 1994 में आती है, मुलर एवं सेलिंगसन इसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी देश की संस्कृति जो है वह किस प्रकार की है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात किया गया है। देखिए ये नोट्स जो है बनाने में काफी समय लगा था और यह भी मेरे पास अभी बना हुआ है, तो मैं चाहा कि इसका लाभ जो है आप लोग को भी मिल सके जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका ज्यादा से ज्यादा भला हो, वह ज्यादा से ज्यादा जो है सक्सेस जीवन में करें, उसी उद्देश्य से जो है यह सारी चीजें तैयार की गई है। ठीक है, हालांकि यह मैं अपने अध्ययन के दरमियान ही इस सारी चीजों को मैं बनाया था। ठीक है, तो उनके देश एवं उनकी संस्कृति जो है वह किस प्रकार की है, तो इटली की जो संस्कृति है वह विमुख है, अलग थलग है, जिसको एलिनेटेड कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और मैक्सिको की जो संस्कृति है वह विमुख है और आकांक्षापूर्ण है, दोनों तरह की जो है विमुख आकांक्षापूर्ण है। जर्मनी की जो संस्कृति है वह राजनीतिक निर्लिप्तता उसमें पाई जाती है और प्रजाभावी संपन्न वह संस्कृति मानी जाती है। यूएसए की जो संस्कृति है वह सहभागी नागरिक संस्कृति कही जाती है और यूके की श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति कहा जाती है। देखिए ये शब्द पकड़ कर चलेंगे कि सहभागी, श्रद्धा सूचक, तो श्रद्धा सूचक आपको दे दिया जाएगा कि श्रद्धा सूचक संस्कृति जो है किससे संबंधित है, आपको इसी में से चार नाम दे दिया जाएगा, इटली, मैक्सिको, जर्मनी और यूके। तो जो है अगर आपको याद नहीं रहेगा कि श्रद्धा सूचक वाली बात जो है यूके से संबंधित है तो आप निश्चित रूप से भ्रम में पड़ेंगे,
तो इसको जो है आपको बार बार सुनना है, जितना ज्यादा बार आप सुनिएगा उतना आपको जो है दिमाग में यह सारी चीजें फिट हो जाएंगी और फिर आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है, एशिया अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका के जो देश हैं वह संकीर्ण नागरिक संस्कृति जो है के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देश एवं उनके अध्ययनकर्ता ये जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए देश एवं उनके अध्ययनकर्ता जापान जो है, जापान देखिए अब जापान की यहाँ पर संस्कृति जो है यहाँ पर देखिए नहीं दी गई है, लेकिन जापान में भी जो है इसके अध्ययन करते हैं रॉबर्ट ई बार्ड। ठीक है, रॉबर्ट ई बार्ड जो है वह कहाँ के अध्ययन करते हैं, जापान का अध्ययन करते हैं और उनकी जो पुस्तक है द कंटिन्यूटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द कंटिन्यूटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन यह कौन लिखते हैं, रॉबर्ट ई बार्ड लिखते हैं। इसमें कहाँ का अध्ययन करते हैं, तो जापान का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार यूके का जो है अध्ययन कौन करते हैं, रिचर्ड रोज जो है वह यूके का अध्ययन करते हैं और जो पुस्तक वो लिखते हैं द ट्रेडिशनली मॉडर्न कल्चर, द ट्रेडिशनली मॉडर्न कल्चर जो है वह यूके की संस्कृति पर आधारित है और रिचर्ड रोज जो है वह लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जर्मनी का जो है सिडनी वर्मा अध्ययन करते हैं और द रिमार्किंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो है वह पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार तुर्की का जो है डी ए रुस्टो अध्ययन करते हैं और उनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशनल जो है वह उनकी पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए यह जो है भारत का जो है यह प्रश्न बहुत बार आया है परीक्षा में कि माइनर बीनर जो है वह अध्ययन करते हैं भारत का, यह दूसरी तरह से कई तरह से इसमें प्रश्न आता है कि भारत का अध्ययन किसने किया या माइनर बीनर ने कहाँ का अध्ययन किया या उनकी पुस्तक कौन जो है न्यू पॉलिटिकल कल्चर जो है वह उनकी पुस्तक है, ये इससे भी संबंधित प्रश्न आते रहा है। ठीक है, अब मैक्सिको की बात करते हैं, मैक्सिको का अध्ययन किसने किया, तो रॉबर्ट टी स्कॉट ने अध्ययन किया और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द स्टेबलाइज्ड रिवॉल्यूशन। किनकी पुस्तक है, रॉबर्ट ई स्कॉट की। इटली का जो है अध्ययन कौन करते हैं, तो वह ला पोलंबरा करते हैं। ला पोलंबरा बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और इसको याद रखेंगे आपको कि ला पोलंबरा जो है किसका अध्ययन करते हैं, इटली की। और इटली की अध्ययन करने के दरमियान करने के बाद जो है वह पुस्तक लिखते हैं, वह लिखते हैं फ्रेगमेंटेशन आइसोलेशन एंड एलिनेशन। तीन चीजें हैं इसमें, फ्रेगमेंटेशन आइसोलेशन एंड एलिनेशन यह कौन लिखते हैं, ला पोलंबरा लिखते हैं और यह अध्ययन कहाँ का करते हैं, यह इटली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मिस्र का जो है कौन अध्ययन करते हैं, तो लियोनार्ड वाइंडर करते हैं और यह पुस्तक जो लिखते हैं द इंटीग्रेटिव रिवॉल्यूशन जो है उनकी पुस्तक का नाम है, मिस्र का अध्ययन इन्होंने किया था लियोनार्ड वाइंडर ने। ठीक है, उसी प्रकार जेम्स कोलमैन जो है देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सभी के अध्ययन का आधार जो रहा है, जितने भी ये लोग सारे अध्ययन किए हैं वह उनका अध्ययन का आधार क्या रहा है, वह सिडनी वर्मा की जो पुस्तक थी पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो 1965 में आई वह जो है वो सभी के अध्ययन का आधार था। अच्छा, उसके बाद देखिए एसी फाइनर जो है वह द मैन ऑन हॉर्सबैक, यह इस कोटेशन का जो है संबंध जो है एसी फाइनर से है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वह कोट्स है। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक संस्कृति के चार भाग किया गया है, वह चार भाग कौन है, परिपक्व है, विकसित है, निम्न है और अत्यल्प है। ठीक है, कौन कौन है, परिपक्व है, विकसित है, निम्न है और अत्यल्प है। अब देखिए परिपक्व के अंतर्गत यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ये चार देशों को जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चार देशों को जो है एक एग्जाम्पल के लिए जो है आप इसमें शामिल रखेंगे। उसी प्रकार विकसित देशों में जो है मिस्र, अल्जीरिया, क्यूबा आदि के नाम आप रख सकते हैं। उसी प्रकार निम्न संस्कृति वाले जो ये देश हैं उसमें इराक और ईरान को जो है
रखा जा सकता है, ठीक है। और अत्यल्प जो देश है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कैन करने के दरमियान जो है वह चीजें कट गई है, वह आप देख पा नहीं रहे होंगे। तो अत्यल्प में जो है वह किसी का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप चलते हैं अगले स्लाइड पे, तब हम लोग आएंगे फिर पिछले स्लाइड पे, देखते हैं कि इसमें जो है डेनियल एल डे, ये अरेंज लीज फॉर्ट जो है वह क्या कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के दो भाग वह बतलाते हैं। देखिए इसके पहले जो है वह आपको चार प्रकार की जो है संस्कृति की बात हम लोग किए थे, यहाँ पर दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात जो है अरेंज लीज फॉर्ट कहते हैं। और उनकी दो इम्पोर्टेंट पुस्तक आती है पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन 1975 में और डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल सोसाइटी 1977 में, ठीक है। उसी प्रकार फिर डेनियल एलिजॉर जो है वह कहाँ का अध्ययन करते हैं, यूएसए का अध्ययन करते हैं। और अमेरिकन मोजैक, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है, और डेनियल एलिजॉर की जो है वह पुस्तक है 1994 में यह लिखी गई है। यह मैच करने के लिए भी जो है कई बार परीक्षा में देखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है डेनियल एलिजॉर जो है राजनीतिक संस्कृति के तीन प्रकार बताते हैं, पहला व्यक्तिवादी, नैतिकवादी और परस्परवादी, ठीक है। याद रखेंगे व्यक्तिवादी, नैतिकवादी और परस्परवादी, ठीक है। अब डेविस कवानाग जो है वह क्या बोलते हैं कि जो है पहले तो आप जान लीजिए कि वह यूके का अध्ययन करते हैं और पॉलिटिकल कल्चर 1972 में उनकी एक पुस्तक भी आती है पॉलिटिकल कल्चर करके, ठीक है। अब राजनीतिक संस्कृति जो है राजनीतिक संस्कृति के चार उप संस्कृतियां की यह बात करते हैं। पहला है अभिजन बनाम जन, दूसरा है अभिजन के भीतर सांस्कृतिक विभाजन, तीसरा है पीढ़ीगत उप संस्कृतियां और चौथा है सामाजिक संरचना, ठीक है। तो ये इस प्रकार था जहां तक बात है जेम्स कोलमैन की। तो जेम्स कोलमैन उसी प्रकार लिखते हैं, वह यूएसए का अध्ययन करते हैं और उनकी दो पुस्तकें जो है वह है पहला स्पेशल कैपिटल इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल 1988 और दूसरी उनकी पुस्तक जो है वह सोशल थ्योरी इन अ चेंजिंग सोसाइटी 1991, ठीक है। तो यही थी आज की जो है पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित हमारा यह पूरा कंप्लीट नोट्स जो है हमारे तरफ से बेस्ट प्रयास किया गया था इसको बनाने का, और बार बार इसमें संशोधन भी मैं करते रहता हूँ, जो नई चीजें आती है उसमें ऐड करने का भी प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉलिटिकल कल्चर से जो रिविजन आपका वीडियोस तैयार किया गया है वह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपके अच्छे मार्क्स दिलाने में यह निश्चित रूप से मददगार होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अब वीडियो को रोकता हूँ और आप लोग से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि कृपया अगर आप लोगों को यह जरा भी मददगार हो रहा हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा काम आप लोग के लिए कर सकूं। धन्यवाद।